अगर गुजरात चुनाव का रट जारी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के अहम दौरे पर हैं, जहां देदियापाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने केंद्र भाजपा पर निशाना साधा और कांग्रेस प्रत्याशी जैसल बैन के समर्थन में चुनावी सभा की। साथ ही गहलोत ने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, पिछली बार जब मैं प्रभारी था उससे ज्यादा इस बार सरकार के खिलाफ माहौल है। पीएम मोदी जी शाहजी से यही डेरा डाल दिया है, कोरोना से कई लोगों की जान चली गई, मोरबी हादसे में कई जाने गई, राहुल गांधी पूरे देश के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, एक मौका दो कांग्रेस को तो मोदी जी की सरकार की चिंता लगेगी। राहुल गांधी चाहते हैं महंगाई कम हो, रोजगार मिले, देश में अमन चैन हो, 11 वादे किए हैं राहुल गांधी जी ने गुजरात की जनता से, 500 रुपए में सिलेंडर, चिकित्सा बीमा होगा, किसानों के ऋण माफ होंगे। माहौल एक तरफा है, सरकार कांग्रेस बनाएगी इस बार, भयंकर सरकार विरोधी लहर चल रही है पूरे गुजरात में, इसलिए मोदी जी को और अमित शाह जी को कैंप करना पड़ा। यहाँ पर लगातार वो दौरे कर रहे हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो कहावत है वो टंगे जा रहे हैं, तो ये उनकी घबराहट है क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है। 5 साल तक कोई शासन हुआ, लोग मर गए, कोरोना मर गए, लोग शराब पी के मर गए, मोरबी मर गए 135 लोग, कोई जांच तक नहीं है। आप देख रहे हैं ना आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उनको जो मुश्किल हो गए, तकलीफात हुए, वो सारी चीज़ें वो जब हम कहते तो वो जाहिर कर रहे थे, उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने नाखुश है इस सरकार के।